ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। नमस्कार, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का मौसम बिल्कुल सिर पर है और अब हमारा ये एक लिटमस टेस्ट है। हमें अपने उत्सव का भरपूर आनंद लेने के साथ साथ अब सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत है। साल के शुरुआती दो महीने हमने अपनी लापरवाही का नतीजा बाद में देखा। पूरा देश शायद ही कभी उस मंजर को भुला पाएगा और अब हमें दूसरे देशों में आई तीसरी लहर के प्रकोप और उनसे जुड़े कारणों को समझने की बहुत जरूरत है। त्योहारों का सीजन है, आपस में मिल बैठने का सीजन है, आप उत्सवों में भी जाएंगे, मिलेंगे भी, लेकिन सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो अमेरिका के अंदर केसेस बहुत कम हो चुके थे, टीकाकरण हो चुका था, फिर अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस आया, लोगों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि वेरिएंट्स जो है वहां पे तेजी से फैला, कोरोना तेजी से फैला और अब लगातार वहां पे मामले बढ़ रहे हैं। बहरहाल जहां तक देश की स्थिति की बात है तो देश में अब तक 91 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं, मामलों में भी स्थिरता आ रही है। फिर भी हमें एक सोचने की जरूरत है, सतर्कता की जरूरत है और कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसे आकाशवाणी और तमाम डॉक्टर पूरा विश्व लगातार बता रखा है, उसको अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं अभी भी हमारे मन में हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। कोरोना से जो ठीक हो चुके हैं उनमें भी बहुत सारे जिज्ञासा, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हीं का समाधान करने के लिए हम लगातार रोज 9:30 पर आपके साथ जुड़ जाते हैं कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी, जो आपके सवालों का और आपकी जिज्ञासाओं का जवाब देंगे। डॉक्टर रेड्डी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। डॉक्टर रेड्डी, अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे कि अब त्योहार बिल्कुल आ चुके हैं, हालांकि वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बहुत तेज है, लेकिन अब क्या और क्या सतर्कता की जरूरत है और किस तरह से अब हम अपने आप को बचा के रखें कि इन त्योहारों के गुजर जाने के बाद हम पूरी तरह से कोरोना से मुक्त हो जाएं और कोरोना से अपने आप को सुरक्षित रखें। ये त्योहार का समय एक तो खुशी मनाने का समय है जी, और दूसरा भगवान के प्रति हमारा भक्ति का समर्पण करने का भी समय है। तो ये दोनों चीजें बगैर भीड़ भाड़ के हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों के साथ मिलके खुशी मनाना है तो वो घर में भी हो सकता है, कम संख्या में हो सकता है, और अगर हमारे परिवार के सदस्य कहीं दूर है तो उनको फिर टेलीफोन के जरिए या इंटरनेट के माध्यम से उनको देखा भी जा सकता है, तो इस प्रकार का खुशी बांटने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और बाकी रहा भगवान को हमारा प्रार्थना समर्पण करने का, वो तो घर बैठे भी कर सकते हैं और भीड़ भाड़ में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं जी। और यही अगर हम थोड़ा सा सावधानी बरतें तो अगले साल बेफिक्र खुशी के साथ त्योहार मना सकते हैं, क्योंकि पहले तक है ये इस प्रकार का सावधानी बिल्कुल जारी रखने का आवश्यकता जी। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, स्कूल भी अब खुलने लगे हैं, बच्चों ने जाना भी अब कई राज्यों में शुरू कर दिया है, तो अब उन्हें भी कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि कोरोना का जो संक्रमण है वो घर तक ना आए और अपने आप को बचा के रखे, समाज को बचा के रखें। अब मामूली जिंदगी जो है हल्की हल्की गति में हम अभी अपना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर में बैठे हुए हैं, काम पे भी जा रहे हैं और बच्चों को स्कूल भी भेजना शुरू हो गया है, मगर इस बीच में ये ध्यान रखना बिल्कुल आवश्यक है कि जरूरत से ज्यादा खतरा कभी नहीं उठाना, खास करके क्योंकि अभी कोरोना विश्व भर में फैला हुआ है
और हमारे यहाँ पे भी पूरी तरह से खतरा हटा नहीं है, तो इसीलिए हम काम पे जाए या बच्चों को स्कूल भेजें या मार्केट में खरीदारी के लिए जाएं, फिर भी मास्क पहन के चलना जरूरी है, बहुत ज्यादा भीड़भाड़ में नहीं शामिल होना चाहिए और जिस हद तक हो उस हद तक खुली हवा में काम करना चाहिए या चलना चाहिए, या बच्चों को भी खुली हवा में खेलने के लिए कहना चाहिए, और क्लासरूम में भी भीड़भाड़ ना हो तो इस प्रकार का भी हमें व्यवस्था अपनाना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए ताकि बच्चों को भी खतरा ज्यादा ना हो, और अगर अध्यापकों को और स्कूल में काम करने वाले बाकी लोगों को और स्कूल बस चलाने वाले ड्राइवरों को अगर हम वैक्सीनेशन भी करा लें जल्दी तो फिर उनको खतरा नहीं होगा बच्चों से, और बच्चों को भी ज्यादातर अपने आप से बाकी बच्चों से और बड़ों से भी खतरा नहीं होगा जी। तो कुछ इस प्रकार के सावधानी अपनाना चाहिए और जिस हद तक हो सके उस हद तक मामूली जिंदगी फिर वापस लाना चाहिए जी। कुछ इस तरह के एहतियाती उपाय अपनाने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा। बहरहाल इस कार्यक्रम में हमसे कई श्रोता लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रमेश कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के पहले श्रोता हैं दिल्ली से। आइए उनका सवाल सुनते हैं, उनकी जिज्ञासा उनका प्रश्न सुनते हैं। रमेश जी स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी जी। हाँ जी मैं पूछना चाहता हूँ कि 70 वर्ष की उम्र है, पत्थरी रहती है, तो उनको भी वैक्सीन लगवानी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं जी डॉक्टर रेड्डी? हाँ जी, हाँ जी। दूसरा और दो, और बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आ जाएगी जी? डॉक्टर पत्थरी के मरीज हैं ये, और ये जानने चाहते हैं कि वैक्सीन क्या ये लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाना चाहिए, मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि 70 साल का उम्र है जी, तो खास करके उनको लगाना आवश्यक है, क्योंकि जो 60 साल के ऊपर जिनका उम्र होता है उनको खतरा ज्यादा होता है बाकी लोगों के मुकाबले में अगर कोविड हो जाए। हरेक को बहुत खतरे वाली बीमारी तो होती नहीं है, मगर उम्र के हिसाब से खतरा बढ़ता है, तो उसके उनको वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, उसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, इनका दूसरा सवाल जो अक्सर आम जनता का सवाल है कि बच्चों का टीकाकरण कब तक टीका आएगा और बच्चे कितने इम्यून हैं इसके बारे में, और क्या उनको कोरोना जो है ज्यादा पकड़ता है, इन सब प्रश्न का भी ये लोग जवाब जानना चाहते हैं। एक तो है जी, बच्चों का टीका अभी ज्यादातर ट्रायल्स में उसका जांच हो रहा है, मगर अभी अभी जो हिंदुस्तान में बना है एक वैक्सीन ज़ाइकोव डी, एक डीएनए वैक्सीन जो भारत में खुद बना है, तो वो बच्चों को दी जा सकती है। बच्चों के ऊपर ट्रायल्स हो चुके हैं कि 12 साल के ऊपर बच्चों को भी दी जा सकती है, उसके कम उम्र वाले बच्चों को देने के लिए भी वैक्सीन का ट्रायल्स चल रहे हैं हिंदुस्तान में भी, और हो सकता है कि अगले 2-3 महीने में उसके भी परिणाम या नतीजे निकलेंगे, तो तब सरकार निर्णय लेगा कि कब से ये बच्चों के ऊपर भी इस प्रकार का वैक्सीनेशन कार्यक्रम लागू हो जाए, तो ये तय हो जाएगा। मगर अभी बच्चों के ऊपर भी वैक्सीन लगने का मेरे ख्याल से उम्मीद है, और कुछ वैक्सीन अभी तक मैंने उसका सबूत मिला है कि वो कामयाब हो सकते हैं और उसमें खतरा भी नहीं है, मगर बाकी जो बाहर ट्रायल्स हुए हैं तो उस प्रकार के वैक्सीन तो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जो भारत में बना है एक वैक्सीन, उसका तो अनुमति मिल गई है, वो भी मेरे ख्याल से अभी 2-3 हफ्ते के अंदर शायद वो प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। और बाकी रहा बच्चों को कितना खतरा है, ये बच्चों में हो सकता है कि ज्यादा संख्या में हम देखें कोविड, क्योंकि बड़ों को तो ज्यादा तक काफी हद तक कोविड का अनुभव हो चुका है, कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है, कईयों को वैक्सीन भी लग चुका है, 70% एडल्ट्स को अभी तक ये वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है, और 25% एडल्ट्स को दो डोज भी लग चुके हैं, तो हम अभी
ये जो है बड़ों को उतना ज्यादा खतरा नहीं है कोविड होने का, बच्चों को हो सकता है कि ज्यादा संख्या में हम देखें, मगर उनको खतरे वाली बीमारी काफी कम होगी बड़ों के मुकाबले में, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं। डॉक्टर साहब, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के बड़ौत से महेश शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा हूँ, दोनों डोज ले लिए हमारे पूरे परिवार ने, और ये हमें कब तक सुरक्षित रखेंगे जी, बताने की कृपा करेंगे। महेश जी का बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है डॉक्टर साहब। दोनों डोजेज ये लोग ले चुके हैं, पूरा परिवार, अब कितने वक्त तक ये कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित हैं? अभी तक हमें जो पता चला है, ये वैक्सीन का असर जिस प्रकार का अध्ययन हुआ है उसमें लगता है कि कम से कम 5 या 6 महीने तक उसका असर रहेगा। वो खाली एंटीबॉडीज का लेवल्स देख के कहा गया है जी, पर उसके अलावा एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है, वो शायद ज्यादा दिन चले, कई महीनों तक चले। और एक बात भी है, अगर एंटीबॉडीज का स्तर भी कम हो जाता है हमारे खून में, फिर भी कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, मतलब ये वायरस का याद उन सेल्स को रहता है, और अगर दोबारा वायरस से परिचय हुआ, अगर ये वैक्सीन के जरिए जो एंटीबॉडीज बन चुके हैं उनमें वायरस को पहचानने का और मुकाबला करने का शक्ति जो है वो दोबारा जाग सकता है वो मेमोरी सेल्स के जरिए, तो हो सकता है कि 6 महीने से ज्यादा भी उसका असर हो। अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि कम से कम 6 महीने तो असर करेगा, हो सकता है कि कई और महीने भी असर करेगा, अभी कहना मुश्किल है क्योंकि प्रक्रिया तो अभी अभी शुरू हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं ये वैक्सीनेशन जोर पकड़ के जी। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस कार्यक्रम में अगर आप अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा 2331-4444 पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो उस नंबर से पहले 011 लगाना न भूलें। आइए अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी चलते हैं, वहां से मुकेश राठौर जी के साथ जुड़ते हैं और समझते हैं, जानते हैं, पूछते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। मुकेश जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको भी नमस्कार। टीसेल का बताया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन का असर कम होने के बाद ये टीसेल जो है इससे के सुरक्षा आगे जाके मतलब बनती है। और सर दूसरा मेरा सुझाव था ये आकाशवाणी को सर जी, सर जी सर्पदंश के केस बहुत समाचार पत्रों में बढ़ रहे हैं, मरीज उपचार तो ले लेता फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है सर, तो कृपया आप इसका जन जागरूकता आकाशवाणी पे कार्यक्रम बनाया जाए जी, जिससे लोगों के जान की सुरक्षा हो सके जी। आपका सुझाव पूरी तरह से हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आप इससे बढ़ सकते हैं। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में कोरोना से जुड़े हुए सवाल हम ले रहे हैं। डॉक्टर, ये टी सेल इम्यूनिटी के बारे में विशेष रूप से जानना चाहते हैं। ये टी सेल इम्यूनिटी जो है कण होते हैं हमारे शरीर में, हमारे इम्यूनिटी दो सिस्टम से बनता है, दो तरीके का होता है। एक तो हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडीज से चलता है, वो बी सेल्स जो है वो बी सेल्स बनाते हैं, मगर ये जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो वायरस को तभी पकड़ सकते हैं, तभी रोक सकते हैं जब वायरस खून के अंदर प्रसारित हो रहा है जी। जब वायरस हमारे शरीर के कणों में प्रवेश करता है और कणों के अंदर जाके छुपता है तो तब ये एंटीबॉडीज काम नहीं करते, मगर ये जो टी सेल्स जो है वो उन कणों को भी, उनके ऊपर भी इनका असर होता है, जिन कणों में वायरस छुपा हुआ है उन कणों के ऊपर ये आक्रमण करते हैं और वायरस का नाश कर देते हैं। तो ये टी सेल्स का ये महत्व है। और दूसरा फायदा ये टी सेल्स का है कि ये वायरस का यादगार भी रखते हैं, मतलब
ये मेमोरी रखते हैं कि वायरस का क्या रूप है, और जब एंटीबॉडीज का स्तर कम भी हो जाता है, अगर दोबारा वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करें तो वो मेमोरी के वजह से, वो याद के आधार पर, वो दोबारा एंटीबॉडीज बनाने के लिए बी सेल्स को प्रेरित करते हैं। तो टी सेल्स का दो फायदे हैं, एक तो वायरस को, कणों के अंदर छुपी हुई वायरस को भी नष्ट करने का शक्ति उनमें है, और दूसरा वायरस के बारे में बी सेल्स को याद दिलाने का शक्ति भी उनमें है। जी, इसलिए हम आगे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से हमारे नियमित श्रोता सिंह रिंकी तिवारी जी हमसे जुड़ चुकी हैं, आइए उनका प्रश्न की जिज्ञासा सुनते हैं। रिंकी जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल आपके साथ एक सर थे, उन्हें मेरा नमस्कार। जी कहिए। जी जी सर, अब पहले तो मैं आने वाला फेस्टिवल यानी नवरात्रि का सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जी। और सर, जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आज मैं समाचार में सुन रही थी कि जैसे ब्रिटेन में जो हमारे भारतीय जाते हैं, जो अधिकांश मतलब कोविशील्ड वैक्सीन लगाए होते हैं, उन्हें क्वारंटीन में रखा जाता है, उसके बाद में उतना मान्यता नहीं दिया जाता है। दूसरा, भारत ने ये कर दिया कि वहां के आने वाले नागरिक को भी क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद में उन्हें अन्य जगह पे जाना पड़ेगा, ये तो ठीक है। तो क्या सर कोविशील्ड कोवैक्सीन की तरह नहीं है, क्या उतना सुरक्षित नहीं है जितना कोवैक्सीन है? धन्यवाद जी। डॉक्टर, मूल रूप से इनका प्रश्न है, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन के बारे में जानना चाहती हैं कि किस तरह से ये बने हैं और कितने सुरक्षित हैं ये कोरोना को लेकर। ये कोविशील्ड जो है भारत में जो बन चुका है, कई सारे देशों में इनका उसका इस्तेमाल हुआ है, और WHO का भी उस वैक्सीन को अनुमति दी है, और इसमें कोई संशय नहीं है कि ये वैक्सीन बहुत ही लोगों ने स्वीकार किया है कई देशों में। हाँ, ब्रिटेन में हाल ही में कुछ उन्होंने निबंधन लगाए हैं कि कुछ दिन तक क्वारंटीन में रहनी चाहिए, और हमारे सरकार ने उसका विरोध किया, और ये कुछ आश्चर्य वाली बात है कि हमारा बनाया हुआ वैक्सीन वो खुद अपने लोगों को लगाते हैं और उसको उसमें कोई उनको आक्षेपण नहीं है, मगर यहाँ पे वो सवाल खड़ा करते हैं जब वही वैक्सीन भारत में लगता है। तो मेरे ख्याल से वो समस्या जल्दी ही सुलझ जाएगा। आइए बिहार का रुख करते हैं। बाकी कोवैक्सीन की बात है, अब WHO उसको स्टडी कर रही है, उसका अभी अध्ययन कर रही है, जो कोवैक्सीन के बारे में सारे नतीजे हैं ट्रायल के, हो सकता है कि अगले हफ्ते 10 दिन में WHO निर्णय ले लें उसके बारे में भी। आइए अब बिहार के मुजफ्फरपुर चलते हैं और उपेंद्र शाह जी को सुनते हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी, और डॉक्टर साहब को भी जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा जो छोटे छोटे प्रश्न है। जी कहिए। मेरा प्रश्न यह है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, हाँ, दोनों इंजेक्शन में क्या अंतर है? और दूसरा प्रश्न यह है कि कोवैक्सीन लगने वाले जितने भी पेशेंट है उनकी विदेश जाने की अनुमति है, इस पर क्या कहेंगे? या कोविशील्ड की लेने पर अनुमति है कि नहीं, इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर, एक बार फिर हम आपके माध्यम से अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या मूल रूप से अंतर है। वैक्सीन जो है कोविड के खिलाफ कई तरीके से बन सकते हैं, उनमें कुछ अलग विधान है जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने में अपनाए गए हैं। जी, कोविशील्ड जो है एक वायरस वेक्टर वैक्सीन है, जो और एक वायरस जो बिल्कुल जिससे खतरा नहीं होता, वो वायरस के साथ जोड़कर हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं। ये कोविड वायरस का एक स्पाइक प्रोटीन होता है, वो स्पाइक प्रोटीन बनाने का जो कोड होता है, प्रोटीन कोड डीएनए वाला, वो दूसरे वायरस के साथ जोड़ के हमारे शरीर में भेजते हैं। वो एक पोस्टमैन के रूप में जाके वो कोड को हमारे कणों में प्रवेश करता है, और हमारा शरीर ये वायरस के खिलाफ, वो स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ पूरा इम्यूनिटी तैयार करता है। मगर कोवैक्सीन जो है, ये कोरोना वायरस जो
कोविड का बीमारी के कारण है वो पूरा वायरस को एक इनएक्टिवेटेड रूप में बदल देता है, मतलब उसको बिल्कुल एक वायरस को ही उसका निर्वीर्य करते हुए उसको इनएक्टिवेट करते हुए उसको शरीर में भेजता है ताकि उसके खिलाफ हमारा इम्यूनिटी बन पाए। और ये केवल स्पाइक प्रोटीन में पे सीमित नहीं है, ये इस वायरस में कई सारे एंटीजेंस है जिसके खिलाफ भी हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनता है। तो ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मगर दोनों के जरिए हमारे शरीर में ये कोविड के खिलाफ, कोविड वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बनता है, मगर अलग अलग मार्ग से, अलग अलग तरीके से। डॉक्टर रेड्डी, वैक्सीन के अलावा भी क्या कोई इस तरह की रिसर्च हो रही है जिससे कोरोना से हम मुक्त हो सके या कोरोना से अपने आप को बच सके, जैसे कोई टेबलेट या कोई और? हाँ, अभी हाल ही में पिछले हफ्ते में ही अमेरिका में एक ट्रायल, एक जो बड़ा ट्रायल किया गया, एक दवाई है मोलनोपिराविर जी, वो उससे ये साबित हुआ कि ये दवाई एंटीवायरल दवाई है। उसको देने में अगर जिनको खतरा ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है कोविड बीमारी होने का एक्सपोजर के बाद में और कोविड का डायग्नोसिस हो चुका है, तो फिर उनको घर पर ही ये गोली 5 दिन तक देने से, सवेरे 1 गोली और शाम को 1 गोली, 5 दिन तक मतलब 10 गोली देने से हॉस्पिटल में भर्ती होने का और या मौत का जो खतरा है वो 50% कम हो गया है, मतलब खतरा काफी हद तक टल गया है जी। जो ये कुछ मैंने ऐसे मरीजों में भी जिनमें खतरा ज्यादा होता है वो खतरा भी बहुत कम हुआ है, और इसका यही फायदा है कि घर पे ही इलाज हो सकता है, हॉस्पिटल में जाके नस से दवाइयां चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज होगी, बहुत बड़ी रिसर्च होगी। हाँ, और हिंदुस्तान में भी कई सारे कंपनीज अभी ये दवाई बनाने में अभी उसका प्रयास में लगे हुए हैं, हो सकता है कि उनके भी ट्रायल्स पूरी हो जाए तो हमारे यहाँ पे भी इस दवाई का अनुमति मिल जाए, और अगर थर्ड वेव अगर हो भी जाए तो ये दवाई काम करेगा जी। बहरहाल, हम अपने अगले श्रोता से अब जुड़ते हैं, दिल्ली के लोनी से मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी। नमस्कार साहब, साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई रेडियो वाला, चिरोड़ी लोनी, जिला गाजियाबाद। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि जांच कम होने से मरीज कम हो गए या जांच पहले कितनी हो रही है और मरीज कम हो गए? जी डॉक्टर, ये इनका प्रश्न बहुत ही सामाजिक प्रश्न है कि ये जो मरीज कम हुए हैं वो जांच कम होने से हुए या जांच अभी भी उतनी ही हो रही है? जी नहीं, जांच तो काफी हद तक जारी है और मरीज कम हो चुके हैं, और जिनको ये बीमारी के लक्षण है और जिनको ये जांच की आवश्यकता होती है उनकी संख्या काफी हद तक कम हो गई है, और ये साबित भी हुआ है एंटीबॉडी टेस्ट के जरिए, जो सीरो सर्वेस जो उन्होंने किया, एंटीबॉडी सर्वेस ICMR वालों ने किया देश भर में, उससे पता चला है कि तकरीबन 67% तक, 67% तक भारत में एंटीबॉडीज कई लोगों में मौजूद है, बच्चों में भी काफी हद तक एंटीबॉडीज पाए गए हैं। उसका मतलब है कि ये वायरस का परिचय कई लोगों को हो चुका है, और मैंने बहुत गंभीर बीमारी तो बहुत ही कम ही उनको हुआ है, मगर परिचय होना, ये वायरस का इन्फेक्शन होना काफी हद तक हो चुका है कई लोगों को जी। तो उसका मतलब यही है कि अभी बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं रहे जिनको इन्फेक्शन का खतरा अभी है। हाँ, हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद में अगर वो इम्यूनिटी का स्तर कम हो जाए या नया वेरिएंट, नए रूप में वायरस प्रवेश करें
तो खतरा रह सकता है, इसीलिए हमें सावधान तो रहना ही चाहिए। मगर अभी केसेस कम होने का कारण यही है कि कई लोगों को या तो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी प्राप्त हुआ है या वैक्सीन से इम्यूनिटी प्राप्त हुआ है। आइए मध्य प्रदेश के रेवा चलते हैं, कार्यक्रम में अपने अंतिम श्रोता से जुड़ते हैं वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। ये सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि क्योंकि रेडियो प्रोग्राम सुनाई देता नहीं है और आपके यहाँ मैंने कॉल किया था। असल क्या है कि एक मैं साधारण मोबाइल चलाता हूँ तो आप यूट्यूब में ऐसा तो कुछ सुन नहीं पाता हूँ, आज रेडियो में सुनाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहब से मेरा पूछना ये है कि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं और भ्रमित हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जाए, या जबकि सरकार और स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीन के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी डॉक्टर श्रीनाथ, देखिए उनको यही चाहिए कि अगर वायरस दोबारा सर उठाए और जल्द से जल्दी फैलना शुरू कर रहे हैं और कोई उसका रूप बदल के एक नया वेरिएंट आ जाए तो खतरा बन सकता है उनके लिए, और अगर वैक्सीनेशन लगवा लें तो वो खतरा बहुत कम रहेगा। तो ये लापरवाही होगी और खतरे से खेलना होगा अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि किसको किस प्रकार का बीमारी होगा, और खास करके अगर नया वेरिएंट आया तो किस हद तक वो सुरक्षित रहेंगे। तो अकलमंदी का यही काम रहेगा कि वो वैक्सीन लगवा लें और अपना रक्षा जरूर वो अपना लें, वो रक्षा के साधन अपना लें। जी डॉक्टर, त्योहारों के सीजन में अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को बचा कर रखें, और अब हम वो समय नहीं देखना चाहते जो पिछले कुछ महीनों पहले हमने देखा था। डॉक्टर रेड्डी, देखिए त्योहारों के समय में खास करके आम दिन के प्रतिरूप हमें नेक विचार अपनाना चाहिए जी। तो इसमें नेकी की क्या बात है कि अपना रक्षा कर लें, अपने परिवार का रक्षा कर लें और समाज में बाकियों का रक्षा बन के रक्षा कर लें, और भगवान के प्रति इससे ज्यादा श्रद्धा वाली काम कोई नहीं होगी जी। तो त्योहार में खुशी मनाइए मगर सावधानी मत छोड़िएगा जी। डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, हमारे सुश्रोताओं की जिज्ञासाएं शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी, और श्रोताओं को त्योहारों का शुभकामनाएं आगे भी जी। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को यही कहेंगे कि त्योहारों का मौसम है, किसी भी सार्वजनिक समारोह के दौरान मास्क जरूर लगाएं, शारीरिक दूरी जैसे प्रावधानों का पालन जरूर करें, और ये भी ध्यान रखें कि मास्क के अंदर हाथ न जाए, अन्यथा उसे लगाने का सब उद्देश्य जो है वो धरा का धरा रह जाता है। सही तरीके से मास्क लगाएं, अगर लोगों से मिलना जुलना भी पड़े तो सामाजिक दूरी बना के रखिए, और बहुत जरूरी हो तो फोन पर बात कीजिए, जितना कम से कम हो बाजार जाइए, क्योंकि बाजारों में विशेष रूप से भीड़ रहेगी और एक ही बार जाके जितना सामान आप लाना चाहते हैं वो अपना सामान खरीदें। बस यही कुछ उपाय हैं जिनसे हम अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचा सकते हैं। बहरहाल आज के संक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे भारतीय जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।